Welcome to Time News Studios. You are watching 9 PM Bulletin. हमने ये फैसला किया है और तालीमी इदारे हैं उनको बदतरीज खोला जाए। 15 सितंबर से जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे 15 सितंबर से खुल जाएंगे। 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं इंटरमीडिएट कॉलेजेस और 9वीं 10वीं क्लास स्कूलों में जो है वो भी उसकी भी इजाज़त हो जाए। सिंध सूद हो समूरे मुल्क में मैट्रिक के क्लासेस सूद हो यूनिवर्सिटीज ए कॉलेजेस 15 सितंबर का खोलने जो फैसलो बैन सूबाई तालीमी वजीरन के इजलास बाद वफाकी वजीर शफकत महमूद चयो तो प्राइमरी स्कूल खोलने जो फैसलो 30 सितंबर से किया वेंदो। 23 सितंबर से 6 का 8 दर्जे तक क्लासेस खोलिया वेंदा। शागिर्दन लाए मास्क पाण लाजमी होंदो। बार के बुखार या खंघ थे तो उनके स्कूल न माने वे। क्लासेस में शागिर्दन की घट गुंजाइश रखी वेंदी। एक क्लास के अध बार एक डी अध बार बे डी पढ़ाया वो। इजलास में सूबन में सेहत खाते से गर्जी मॉनिटरिंग कमेटीज जोड़ने का फैसलो। उ कमेटीज रोजानो बुनियादन से स्कूलों को मुआइनो कर। आपकी दोस्तों की मेहरबानी है कि सिर्फ कराची पे तो कुछ के कराची में भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं उसको वो नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो ज़्यादा तशवीशनाक तशवीशकुन सूरत हाल है वो हमारे इन देही ज़िलों में जहाँ पे पूरा दरिया साथ बह रहा है। लाखों की तादाद में लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। 136 लोग टोटल अपनी जान गंवा चुके हैं पूरे सिंध में। 2010 और 2011 याद आता है कि सूबाई हुकूमत इतनी बड़ी डिजास्टर जो है, ये नेशनल कैलेमिटी है, उसको अकेले से नहीं कर सकती, फेस नहीं कर सकती। हमें फेडरल गवर्नमेंट की शदीद मदद की ज़रूरत है। मैं आप सब चैनल इधर सारे हैं, आपने सवाल किया, आपके चैनल में तो फिर भी कुछ दिखाते, बाकी चैनल से भी कहता हूँ ज़रा चले ना। मुझे 2010 और 2011 तो याद है कि पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर सैलाबी इलाकों में गए थे, अब क्यों भूल गए सारे? ये चैनल से मैं कहता हूँ ज़रा आप लोग, मेरी तो शिकायत आपसे किसी और से नहीं है। सिंध के 20 खां वधीक जिलन में बरसात तबाही मचाई है। मीडिया से रुगो कराची की सूरत हाल दिखारी पी वे। वे वजीर मुराद अली शाह चाहे तो सिंध में बरसात के तबाहकार सबब लखें मू मुतासर थे। सिंध हुकूमत अकेले सिर कुदरती आफत के मुंह नी दई सके। वजीर आजम से राबो कर सूरत हाल का आगाह कर छो खेस खत भी माने वो। गुड्डू बैराज वट वी बोर्ड डिक्लेयर थे बाद सखर गुड्डू और कंदकोट के दौरे दौरान गालहाइंदे वे वजीर चयो तो गुड्डू से वी बोर्ड वो वाकरो एक बिन डीहन में सखर बैराज वट पहुंचो। सिंधु दरिया से पानी वाकरो 6 लख क्यूसिक ताई थी सके तो। सखर का कश्मोर ताई बंधन से दबाव वधी रो है। सखर ए लाड़कानो रीजन में बंधन से अमनमान जो भी मसलो है जैसे हल कर कोशिश क्यों पाया। एक सवाल के जवाब में वे वजीर चयो तो कें में हिम्मत है जो कराची के वफाक हवाले कर गाल करे। जो आपके सामने ये सवाल करते हैं उसको आप करने देते हो? ये बात आपने किया है ना, मैंने कहा है कि हिम्मत कैसे होती है किसी की ये बात करने की, मेरे सामने तो करे। आप सवाल कर रहे हैं, आपकी अपनी बात नहीं है, कोई कह के सियासी बद इंतजामिन सबब कराची जो हालतूँ खराब थी पर हाने शहर की तरक्की वफाकी हुकूमत के एजेंडा में शामिल है। वजीर आजम इमरान खान जो सलाहकार बाबर अहमान से मुलाकात दौरान गाल इमरान खान चयो तो वफाक कराची के मसलन के हल लाए माली वसीला फाहम कंदो। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज तहत मंसूबन से जल्द अमल दरामद जरूरी है। वफाकी सरकार के तर्जुमान शिबली फराज है तो कराची में तरक्की लाए पैसा सिंध हुकूमत के सीधी रीत ना दई सकूँ छो तो उन एतमाद ना है। चाहूँ था तो पैसा कराची के अवाम से खर्च थियन। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे वफाकी वजीर चयो तो वे वजीर कराची पैकेज से कन्फ्यूजन पैदा कई, हकीकतन के ट्रोड़े मरोड़े पेश करण बिलावल जी भी आदत बन चुकी है। शिबली फराज चयो तो इन वक्त जो नाकारी माहौल बनाए पे वे उनमें मुल्क ए सूबा तरक्की ना कर सकन। आवाम के गुमराह करण की हिकमत अमली कामयाब न थी। सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तजा वहाब है तो कराची के कें बे के हवाले करण जो सोचे भी ना सकूँ। सूबाई हुकूमत ही कराची के संभाली। वीडियो बयान में मुर्तजा वहाब तो ताजी कायम कल कमेटी जो इंतजामी मामलों में को भी किरदार न होंद। कराची पैकेज में 750 अरब रुपया सिंध हुकूमत जो शेयर है। पैकेज से सियासत न कई वे तो बेहतर होंद। इल्ज़ाम लगने का पासो करण घुर्जे।
मुर्तजा वहाब चयो तो वजीर आजम पारां 2019 में एलानियल 162 अरब रुपया पे कराची के नाहन मिलिया। वफाकी सरकार के हाने कराची के हवाले से जिम्मेवारी निभानी पवंदी। बैराज वट सिंधु दरिया में पानी जो वो वकरो दाखिल थियण बाद वही बोट डिक्लेयर। गुडू वट दरिया जो मथां वकरो 5,523,000 और हेठां वकरो 4,77,005 क्यूसिक रिकॉर्ड। सख बैराज जो मथां वकरो 4,20,125 और हेठां वकरो 3,86,630 क्यूसिक थी वो। कोठड़ी बैराज वट सिंधु में मथां वकरो 1,88,915 और हेठां वकरो 1,85,845 क्यूसिक रिकॉर्ड। सिंध सरकार 24 जिले काउंसिल से डीसीज म्यूनसिपल एंड टाउन से एसीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकरर करण जो नोटिफिकेशन जारी कर छो। 21 ग्रेड जो ऑफिसर इफ्तिखार शालमानी के एमसी जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकरर। 18 ग्रेड के अनीस दस्ती के हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कुल वक्ती जिम्मेवारी सौंपी वही। सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाए 19 ग्रेड के निसार मैमुण और लाड़काने लाए वली मोहम्मद बलोच एडमिनिस्ट्रेटर मुकरर। म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास लाए एसी और म्यूनसिपल कमेटी बेनजीराबाद लाए एडीसी 1 एडमिनिस्ट्रेटर मुकरर। मकानी खाते तरफा मुख्तियारकारन के यूसीज की जिम्मेवारी सौंपण बाबत नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन मूजिब असिस्टेंट कमिश्नर्स के 2-4 टाउन्स और मुख्तियारकारन के 1 यूनियन काउंसिल्स जहा इख्तियार दिना वा। सिंध यूनिवर्सिटी के फंड्स में 71 करोड़ रुपये की मुबैना गोबिन वाले केस में वीसी फतेह मोहम्मद बुरफत, रजिस्ट्रार अमीर अली अबड़ो और कंट्रोलर मुर्तजा सियाल सूदो 10 जवाबदार की उबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद जवाबदार के 1,00,000 रुपये जहा जमानती मुचलका जमा कराने का हुक्म दई छो। जमानतू कराइंदड़ जवाबदार में दादू कैंपस जो प्रो वीसी मुनीर सूमरो, साजिद कयूम, प्रोफेसर नवाज मलिक, मुश्ताक मैमुण, माशूक मैमुण और इंजीनियर शफी मोहम्मद मैमुण भी शामिल। अदालत वीसी फतेह मोहम्मद बुफत सूदो बेन जवाबदार के 16 सेप्टेंबर से तलब कर वरतो। कायदे अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाबशाह के मुलाजमन लाए कायम हाउसिंग सोसाइटी लाए इजाफी वरतल 4 एकड़ जमीन की मुबैना तौर गैर कानूनी खरीदारी और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल का हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन एंड टीचर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत तुनियो खिलाफ़ जांच लाए टिरुकनी कमेटी कायम। वीसी प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रजा समूह पारा जोड़ियल कमेटी के महीने अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करे रिपोर्ट पेश कर दी हिदायत। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के वाधू चार्ज रखंदड़ ऑफिसर महरम अली मामले के मौकफ़ दियण का खुद जवाब दींदे चयो तो ही यूनिवर्सिटी जो अंदरूनी मामलो है। कराची की ईसा नगरी वाले इलाके में कचरे के ढेर में मिलियल निंगरी से ज्यादती की तस्दीक। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट मूजिब 5 सालों की मरवा के ज्यादती जो निशानों बनाने बाद वजनी शे मथे से हणी कतुल किया वो। लाश खराब थियण बाद बारड़ी जो जिसम सुजी वो हो। निंगरी के बाह दियण जा के भी निशान न मिलिया। पुलिस ईसा नगरी के मुख्तलिफ इलाकन में छापा हणी 11 शकी हिरासत में वी छा। डॉक्टर माहा जो वालिद आसिफ शाह से पेरियों जेड़ो तरह थो जैसे उन संद वालदा के छोड़ो हो। माहा के वालिद घर में तंग कंदो हो। डॉक्टर माहा के मुबैना आघात वाले केस जो मुख्य जवाबदार जुनेद खान मंजरेआम से अची वो। जुनेद खान डॉक्टर माहा के वालिद के भी जांच में शामिल करने का मुतालबो कर सैयद आसिफ शाह लालची मानू है जैं कमरे में माहा आराम कंदी हुई। वालिद उन कमरे की एसी भी बंद कर छींदो हो। घर में अड़ा खाधा तैयार क्या वा हुआ जे माहा के पसंद न होजन। डॉक्टर माहा के मामले में वो भी शिकायत दाखिल कराई हुआ पर खेस पोते वो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जुनेद खान चयो तो माहा की गालन में लगंदो हो तो घर में खुश न हुई। माहा मुझी जिंदगी बाबत जो कुछ गालो वो वॉइस मैसेज 2018 वो है उनका कोई माहा से को भी वास्तो न रो। अफसोस है जो इस्लामाबाद में यो सब कुछ थी रो है। जैसे वजीर जो पुट गुम थे हा तो हुकूमत जो कड़ो रद्द अमल होते हा असं सब पांजो कम न पाया क्यों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरफा जीसीपी ऑफिसर साजिद गोंदल की बाजियाबी लाए दाखिल दरख्वास्त बुधनी दौरान घरू सेक्रेटरी मथा कावड़ जो इजहार।
चीफ जस्टिस अतरमिनला रिमार्क्स इन चवा है घरू खातो एफ आई ए इस्लामाबाद पुलिस हाउसिंग सोसाइटी ठा रही आज वजीर आजम के जान दिनी भी है इस्लामाबाद में रो है आई जी इस्लामाबाद बुधाए तो गादी वाले शहर में केतरा मू गुम थे मामलो वफाकी काबीना डो रोको वे कें न कें एहतसाब थे साजिद गोंदल वो मामलो भी जबरी गुमशुदगी जो है घरू सेक्रेटरी अदालत के आगाही दींदे फिलहाल इन बाबत कुछ ना चई सूँ मामले की जांच लाइ टीम जोड़ी वही है चीफ जस्टिस तो इस्लामाबाद में कानून की पाला दस्ती ना है जैसे गादी वाले शहर में कानून की हुकुमरानी ना है तो उन मतलब होंद अदालत के बुधा तो वफाकी सरकार नाकाम चुकी है वफाकी सरकार शहर के तहफुज दे में नाकाम वही इस्लामाबाद पुलिस नाकाम वही है तो जांच लाए सिंध पुलिस के लिखूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरफा खमजी वेल शहरी अब्दुल कुद्दूस के बाजियाब न कराने से कावड़ जो इजहार वफाकी घर वजीर एजाज शाह घरू सेक्रेटरी 16 सेप्टेम्बर से जाती हैसियत में तलब अदालत अटॉर्नी जनरल के भी तलब करने है तो अखियों बंद कर मामला ठीक नींदड़ बुधनी से जवाब जमा न कराया वो तो वजीर आजम के अदालत घुरा वो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी रिमार्क्स इंदे ग्रीन नंबर प्लेट्स वारे गाड़ियों जरिए शहरी अगवा थी रहा है कदें कें पुलिस वे कें एजेंसी खिलाफ ना लिखो और नई जवाबदार जाना पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी टिन दिन के दौरे से मीरपुर खास पहुंची वो बिलावल भुट्टो जरदारी मीरपुर खास में बरसात ए घर के मुतासर इलाकन में तबाहकार इमदादी कार्रवाई का जायजा वो मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकन में पानी निकाल न थियन खेमा और राशन न मिलने खिलाफ मुतासर रस्तन से निकली आया एहतजाज दौरान मुतासर की इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी मुतासर दायों है तो रस्तन घिटिन और पहाड़न में पानी निकाल न थियन सबब मच्छर जो आजार वधी वो बीमारियों पकड़ रही हैं इंतजामिया दस्तगीर टाउन गाया अस्पताल कोरी गोठ माली कॉलोनी और मेघवार पाड़े सूदो केतरन ही कॉलोनीज में पानी निकाल ना कर मुतासर तरफा पानी निकाल सहायता न थियन की सूरत में डीसी ऑफिस को घेराव कर चिता उत्तर वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फोर्सिस जो ऑपरेशन आईएसपीआर मूजिब खतरनाक ए घुर्बल दहशतगर्द कमांडर वसीम 5 साथियों समेत मारिज वो 10 गिरफ्तार मारिजल दहशतगर्द वसीम 2019 का हेर तीन 30 मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाई जो मास्टरमाइंड हो नौ कोट भरसा एलबीओडी के 287 वट लगल 350 फुट घारो हफ्तों गुजरण बावजूद बंद न थो नौ कोट कुंडरी रोड पानी हेठ अचान बाद ट्रैफिक मौतल मेन रोड पानी हेठ अचान के नतीजे में नौ कोट ए कुंडरी जो पान में जमीनी राबो काटा थियण जो खदशो आपाशी अमलो काट की कड़ लगाने बाद मिट्टी से भरियल वास्तन तोड़े बोरिन जरिए घारो बंद कर कोशिश में रुधल डोरी में पानी के लगातार चाड़ बाद नौ कोट में हरिजन कॉलोनी जहा केतरा घर पानी हेठ अची वह उमरकोट के रतनो रोड से कायम रिलीफ कैंप बोर्ड मुतासर लाए लाभायती साबित नी रिलीफ कैंप में राशन ए पीण के पानी सूदो बुनियादी शय की अणहूंद खिलाफ मुतासर जो एहतजाज रतनो रोड से धरने सबब खेंसर डाहली और बन इलाकन दा गाड़ियों की अचवन बंद मुतासर दायों तो वे वजीर सूदो वजीर ए MPS के दौरान बावजूद रिलीफ कैंप से कें भी किस्म की सहूलत ना है बरसात ए घर के मुतासर के खेमा राशन पीण जो पानी ए तिबी इमदाद जो दावाओं पूरियन मुतासर तरफा रिलीफ कैंप्स में सहूलतों मुहैया करने का मुतालबो सजावल के बहराड़ी वारे इलाकन में हफ्तों गुजरी वजन बावजूद बरसाती पानी निकाल न थो घर रस्तन से 3 फुट पानी बीठल होजन सबब समय खानदान लड़बड़ान करण से मजबूर इंतजामिया मुतासर खानदान के महफूज हंधन से मुंतकिल कर लाया पा न वरता नई वरी घर छड़े आयल खानदान के खेमा तोड़े राशन दिनों वो पानी बीठल होजन सबब मच्छर जो भी आजार वधी वो मुतासर बिटे अजाम में मुबतला मुझी कार के छो क्रॉस कर सखर में सब इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा जुड़े जो रिक्शा ड्राइवर से डमरजी पो चिंती ड्राइवर से सरेआम तशद्दुद वाली वीडियो मंजरेआम से अची वही वीडियो में नजर अची रो है तो रिक्शा ड्राइवर सब इंस्पेक्टर का मुआफ़ी वो रो पर सब इंस्पेक्टर के तशद्दुद जो निशानो बनाया
लालू पुलिस बासठ शख्स की विंगारू बनजी वही ढोरन में भाज दौरान कार जो शीशो टुटन बाद पुलिस लाडाऊ कबीले के माहौन ते कड़की पई मुबैना तशद्दुद में पंज औरतों अठ बार जख्मी मुतासिर दुर की औरतों जो दाहों इंसाफ फ्राहम करने जो मुतालबो वाके वाले हंध मौजूद माहौन जो चवण है कार के हॉर्न सबब रस्ते तां गुजरंदड़ ढोरन में भाज पे वही जै सबब बासठ शख्स की कार जो शीशो टुटी पो गंबट वेझो गोठ महबूब कलहोड़ो में ढंड भर से रांद कंदे बारड़ा अठन साल हामिद ए दहन वरन रिजवान कलहोड़ो बुढ़ी फौत बारह भर से गोठ हाशिम छोटो में पानी के तलाब में वेझन दौरान नींगरी सिदरा छोटो बुढ़ी फौत मसूबुरगड़ी भर से गोठ बचू डाहरी में नींगर वकार डाहरी वाटर कोर्स में बुढ़ी फौत थी वो पनवाकल भर से दरियाई वहकरे में लुढ़ी पयल नौजवान अयास उम्र जो को भी पतो न पो पानी के तेज वहकरे सबब गोला में रुखियाई पेश नौजवान अयास सुमरो अदाकारी कंदो हो दोस्तन के सुमरा फंवारी पतण से छण बाद घर वही रो हो तो बेड़ी के लोडो अचण सबब रुड़ी वो अमेरिका के बेलन में लगल खौफनाक बाहि सबब रियासत कैलिफोर्निया की पंज काउंटीज में हंगामी हालतू लागू बाहि सबब हजारे मानून के पंजा घर छड़ना पे जैसे केतरन ही खानदान के हेलीकॉप्टर वसीले मुतासर इलाकन में बाहर करो वो केतरन ही एकड़न से पकड़ियल बाहि से जब्तो आने लाए कोशिशों और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी वाइल्ड लाइफ खाते मौजूद हेल तई 21 लख एकड़ एराजी बाहि के वकड़ में अची चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गड़ आऊं मैं ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस हम रखी हूँ, तफ़सीली खबरों शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।